मौसम खुलते ही काबुली चने में त्योहारी मांग एक बार फिर से बढ़ गई है, जबकि आवक का दबाव कमजोर है। इसके चलते कंटेनर और मंडी में काबुली के भाव में जोरदार तेजी आ रही है। इंदौर मंडी में मध्य प्रदेश की शुक्रवार को काबुली चना कंटेनर और मंडी में भी करीब 600 रुपए प्रति क्विंटल तक उछल गया। मंडी में आवक 1000 बोरी तक सीमित रही। दरअसल काबुली चने में निर्यातकों की खरीद बढ़ने से तेजी को सपोर्ट मिला है। हालांकि व्यापारी कह रहे हैं कि स्टॉक कमजोर है, ऐसे में सट्टेबाज भी त्योहारी मांग का लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। उधर चना कांटे में लोकल के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की पूछताछ, बाजार में अच्छी रहने और अच्छी क्वालिटी के चने की आवक बेहद कम होने से भाव में एक बार फिर से सुधार देखने को मिला है। शुक्रवार को चना कांटा बढ़कर नीचे में 4850 तो ऊपर में 4900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। दूसरी ओर नाफेड द्वारा शुक्रवार को चने का टेंडर 4331 रुपए के भाव पर जारी किया गया। व्यापारियों का कहना है कि चने से बने उत्पाद चना दाल और बेसन में मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, जो इस महीने के अंत तक बनी रहने की संभावना है। दूसरी ओर तुअर में ऊंचे दामों पर ग्राहक की कमजोर रहने से महाराष्ट्र के सफेद तुअर 100 रुपए तक टूट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन के चलते एक बार चने की कीमतें और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।